बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जो निकल के सामने आ रही है यहां पर साबूदाने की। तो ऊंचे दामों पर साबूदाने में डिमांड का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण कीमतों में गिरावट रही। इंदौर में भी साबूदाने के दामों में करीब 150 रुपए की गिरावट रही। आपको बता दें कि सेलम में नए कंद की आवक अगले महीने से शुरू होने की संभावना है। इसके बावजूद साबूदाने के दाम ज्यादा टूटने की उम्मीद कम ही है। इसके पीछे कारण है कि साबूदाने में उपभोक्ता मांग से ज्यादा डिमांड स्टार्च की बनी हुई है और इस समय मक्का महंगा है। मक्का महंगा होने से कंपनियां साबूदाने से स्टार्च बनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं, जिससे साबूदाने का उत्पादन कम है। ऐसे में आगे साबूदाने में डिमांड आती है तो बाजार पुनः मजबूत हो सकते हैं। इंदौर में साबूदाना सच्चा मोती एगमार्ग के भाव 6,090 रुपये, सच्चा मोती एगमार्ग 6,150 रुपये, सच्चा मोती लूज का भाव 5,610 रुपये प्रति क्विंटल है। तो यानी कि साबूदाने के दाम जो पहले गिरे हुए थे और अब भी कुछ टूटे हुए हैं, उनमें कुछ नरमी तो देखी जा रही है, लेकिन मक्का के महंगा होने से जो स्टार्च बनाने वाली कंपनियां हैं वो मक्का से शिफ्ट होकर सूरज ये साबूदाने पर शिफ्ट हो रही हैं और साबूदाने से स्टार्च बनाने पर ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं, जिससे आगे साबूदाने की कीमतों को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता नज़र आता रहेगा।